हे नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुक्ला अपने नए टेक्निकल लंच और आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं कुछ कमाल के स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि आपको मिल जाते हैं 15,000 रुपये के नीचे। और बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स हैं और इन स्मार्टफोन्स पर आप गेम करते हो हाई सेटिंग्स पे और बहुत ही कमाल के ग्राफिक्स आपको देखने को मोबाइल में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि बहुत ही ऑनलाइन सारे मोबाइल आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे और बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन है। ये कोई वीडियो गेमिंग के ऊपर नहीं होने वाली, ये वीडियो होने वाली है बेस्ट स्मार्टफोन्स के अंदर अंडर 15,000। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सो लेट्स बिगिन। तो अगर मैं बात करूं अपने पहले मोबाइल की तो वो होने वाला है होनर प्ले जो कि बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन से अच्छा खासा वो बहुत कर रहा फ्लैक्सी लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है वो आता है को 15,000 रुपये के अंदर को देखने को मिल जाता है। इसमें ऑक्टा कोर क्रीन 970 फ्लैक्सी वाला प्रोसेसर, फुल HD प्लस स्क्रीन और 3750 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है और USB टाइप सी तो आपको इसमें मिलता ही मिलता है। प्लस कूलिंग लिक्विड कूलिंग का आपको फीचर मिल जाता है जो कि आपको गेमिंग स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। और बहुत ही कमाल का इसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहा है, फुल HD स्क्रीन मिल रही है, अच्छी बैटरी मिल रही है, लिक्विड कूलिंग का सिस्टम मिल रहा है और 4GB 64GB आपको जो है स्टोरेज वेरियंट मिल रहा है जो कि बहुत ही कमाल का है। और उसकी प्राइस सिर्फ 15,000 से नीचे है यार, कितना भरे स्मार्टफोन है। आप इसको एक बार चेक करिए और बताइए कैसा लगा स्मार्टफोन। अगर बात करो अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तो वो होने वाला है ASUS ZenFone Max Pro M2 जो कि यार बहुत ही कमाल का है, ASUS के ब्रांड का आता है, बहुत ही मस्त स्मार्टफोन है। ऑक्टा कोर 660 वाला स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज, आप उसको थोड़ी रैम ज़्यादा मिलती है, 6GB की रैम मिलती है और 64GB की स्टोरेज मिलती है। फुल HD प्लस स्क्रीन तो है ही इसकी, प्लस 5000 mAh की बैटरी है इससे कि आप बहुत लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा देर तक गेमिंग कर सकते हैं। और आपको इसमें मिल जाता है जो GPU है Adreno 512 मीन्स 512 का, आपको इसमें जो है ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करूँ अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तो वो है ओप्पो K1 जो कि एक ओप्पो की तरफ से अगला मोबाइल है जिसमें कि आप गेम कर सकते हैं। और इसमें भी आपको 660 मिलता है ऑक्टा कोर, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, फुल HD प्लस स्क्रीन और 3600 mAh की बैटरी, Adreno 512 का ग्राफिक्स देखने को इसमें मिल जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही कमाल का है और कैमरा वगैरह ओप्पो की तो बहुत बढ़िया होती है, तो लेकिन इसमें हम कैमरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो आपको स्मार्टफोन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर बात करूँ अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तो वो होने वाला है रेडमी नोट 7 प्रो जो कि आपको 15,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने मिलता है 675 वाला स्नैपड्रैगन का, 4GB 64GB आपको इसमें जो है स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है, फुल HD प्लस स्क्रीन है, टाइप सी है और Adreno 612 का आपको इसमें ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है और 4000 mAh की बैटरी है इसमें कि आप बहुत ज़्यादा गेम कर सकते हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल है जिसमें कि आपको लेटेस्ट AI वगैरह फंक्शन वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करो नेक्स्ट स्मार्टफोन की तो है रियलमी 3 प्रो जो कि आपको 15,000 मीन्स थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे, आपको 600 रुपये थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन आपको उसमें जो आपको प्रोसेसर वगैरह सब बहुत बढ़िया मिलना है जिसमें कि आपको 710 ऑक्टा कोर देखने को मिल जाता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, फुल HD प्लस स्क्रीन, 4045 mAh की बैटरी, Adreno 616 आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, एक बार ट्राई करूँगा। रियलमी का जो स्मार्टफोन होते हैं बहुत कमाल के होते हैं और इसमें आप गेमिंग तो बहुत अच्छी कर सकते हैं वो हाई सेटिंग्स पे। और अब तो इसमें एंड्रॉइड क्यू का भी इसमें बीटा वर्जन आपको देखने को मिल जाता है, फोर्टनाइट का भी सपोर्ट इसमें आ गया है, तो अगर फोर्टनाइट खेलना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन पे फोर्टनाइट के लिए जो है अवेलेबल जो फोर्टनाइट है उसके लिए अवेलेबल हो चुका है। तो अगर बात करो अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन सीरीज ये हो चुके हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स। तो अगर आपको जो भी स्मार्टफोन पसंद आए उसका कमेंट कर देना। और ये जो स्मार्टफोन है ये हाई रिकमेंडेड है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आपको कम से कम 3,000 रुपये थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है भाई सबसे ज़्यादा किलर है फ्लैगशिप लेवल के कह सकते हैं स्मार्टफोन को, जो कि ये पोको F1 जिसमें आपको 845 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, फुल क्लॉक मीन्स ओवर क्लॉक देखने को मिल जाता है, 6GB 64GB स्टोरेज वेरियंट, 4000 mAh की बैटरी, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, फुल HD प्लस स्क्रीन, फास्ट चार्जिंग, Adreno आपको 630 का आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल का है। और इसमें आपकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसमें PUBG और Asphalt 9 ऐसे गेम्स तो बहुत ही ज़्यादा हाई सेटिंग्स मेरे ख्याल से इसमें HDR का सपोर्ट भी आपको देखने को शायद मिल जाता है, तो आप इसमें को पता नहीं है लेकिन आप चेक कर लेना अगर परचेस करते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सब होगी बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो वहाँ से आकर डायरेक्ट परचेस करते हो या अमेजोन से फ्लिपकार्ट से तो मैंने लिंक दे दिए है, तो आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन में।
और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि लॉन्च होने वाले हैं और जो ये बहुत ही किलर होने वाले हैं। और उन अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहा हूँ तो वो है रियलमी एक्स, जैसा उसको पता कि रियलमी एक्स लॉन्च होने वाला है, वो 20,000 के नीचे लॉन्च होगा लेकिन एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें आपको 664 जो है स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, 710 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, फुल एचडी का स्क्रीन है और उसका जो स्क्रीन का रेशियो वो ज़्यादा होने वाला है और पॉपअप कैमरा तो आपको उसको देखने को मिलने ही वाला है और 669 का आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, 3765 mAh की इसको उसमें बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर बात करें अपने नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की तो वह है रेडमी K20। मैं सर K20 की बात कर रहा हूँ, K20 प्रो की नहीं कर रहा हूँ, K20 होने वाला है वो भी 20,000 के नीचे होने वाला है, 664 और 730 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाने वाला है, फुल HD प्लस स्क्रीन, इसकी भी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो उसका भी बहुत ज़्यादा होने वाला है और 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलने वाली है और एड्रेनो 618 आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू लेटर।